हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुजीत मेंटर। आपको बहुत ही धन्यवाद, आपने मेरी जो वीडियो देखी बहुत पसंद करी, तो मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए दरवाजे पर 3D पेंटिंग कैसे की जाती है, सो किस तरह से हम सजा सकते हैं। बहुत ही कई तरीके होते हैं, तो इसको हम स्टेंसिल से काट कर मैंने डिजाइन काटे, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। इस तरह के हमने स्टेंसिल काट लिए हैं, एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है, तो इन्हीं से हम रखकर स्प्रे पेंट के द्वारा हम ये 3D फ्लावर इस पर बनाएंगे। ये हमारे पास दो दरवाजे हैं और एक तीसरा उधर है, तो हम किस तरह से बनाएंगे आपको पूरी डिटेल में आपको बताएंगे, किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से सारा काम करते हैं, तो अंत तक आप मेरी वीडियो तक जुड़े रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो दोस्तों, जो हमने स्टेंसिल काटे थे छोटे वाला, तो पहले उसी के द्वारा हमने ये स्प्रे से रख कर इस पर पेंट कर देना है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा फ्लावर ये आ गया है। तो हमने किनारों पर थोड़ा डार्क करना है और बीच में लाइट रखना है। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया है दोस्तों, ये बड़े जो कट स्टेंसिल हमने काटा था पत्तियों का, फिर उसको आपने इस तरीके से रखकर स्प्रे कर देना है। और हमेशा आपने जो किनारी है, जो बाहर की साइड है, वहाँ पर थोड़ा डार्क लगाना है और बीच में लाइट ही रखना है। फिर दोस्तों, ये मैंने थोड़ा थोड़ा ऐसे ही स्प्रे से थोड़ी फुहार मारी है, तो आप भी इस तरह से आप कुछ भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जो भी आपके मन में आए आप उस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मैंने फिर उसके बाद ये स्टार थोड़ा बनाया एक तरीके से कि यहाँ से प्रकाश आता है, जिस तरह से आप देखते हो आसमान में तारे दिखते हैं, तो उनका किस तरह से प्रकाश चारों तरफ फैला होता है, तो इस तरीके से मैंने पत्ती रख कर इस तरीके से आपने भी कर लेना है। अगर स्टार ये बनाना होता है किस तरह से बनता है ये आप तो देख ही रहे हो। फिर इसके बाद साथ तो दोस्तों, फिर वे गोल्डन पर कलर से हमने ये मोल्डिंग लगी हुई थी, तो उस पर हमने ये गोल्डन कलर से इसके पेंट किया है, ताकि हमारा जो दरवाज़ा है बहुत ही अच्छे लुक आए उसकी। तो आप भी इस तरीके से कुछ भी कलर से कर सकते हो, लेकिन मेरे को ये गोल्डन अच्छा लगा, क्योंकि पीछे जो है जो दरवाज़ा है ये डार्क ब्राउन पेंट का है, तो डार्क ब्राउन पे गोल्डन जो है बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी अगर इस तरह का कोई दरवाज़ा हो तो उस पर ज़्यादा मेहनत करने की वजह आप ये गोल्डन का टच लगा देंगे, तो ये बहुत ही सुंदर दरवाज़ा आपका बनेगा। तो दोस्तों, आप इस तरीके से ही ये इनेमल पेंट से मैं कर रहा हूँ, इनेमल पेंट है, तो आप भी इस तरीके से इस दरवाजे को बहुत ही अच्छी तरीके से इसको सजा सकते हैं। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है कि इसमें कोई कलाकारी लगेगी, तो मैंने स्टेंसिल काट के इसको इस तरीके से ये कर लिया था। तो आप भी इस तरीके से स्टेंसिल, आप क्योंकि स्टेंसिल काटने से क्या होता है कि आपकी जो पत्तियां होती है वो सारी की सारी एक जैसी ही बनेगी, ना कि कोई छोटी ना कोई बड़ी। तो स्टेंसिल का एक तो ये बेनिफिट हो जाता है, और दूसरा क्या होता है, स्टेंसिल रख कर हम स्प्रे से करते हैं तो हमारे जो फ्लावर की जो बनावट है वो हमारे 3D लुक आ जाती है, ऐसा लगता है ये 3D में है, दरवाजे से ऊपर उठ के आ रहा है। तो दोस्तों, ये हमने गोल्डन पेंट इसके चारों तरफ जो मेरे तीनों दरवाजे हैं उन पर मैंने ये गोल्डन पेंट इस तरीके से कर दिया है। मैं सभी का नहीं दिखाऊंगा, मैं एक ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, एक ही दरवाजे पे दिखाएंगे किस तरीके से हमने ये काम किया है, और फिर लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने कंप्लीट किस तरीके से किया है इसको। फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया है, इसमें ये बेल टाइप में हमने बनाया है,
तो आप भी इस तरीके से पहले चौक से आप बना लेंगे, चौक से पेंसिल से, डायरेक्ट ना कर कर, क्योंकि डायरेक्ट करेंगे तो हमारी जो बेल है ये इस तरह के डिज़ाइन है टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से ये पतले बाल लंबे बाल वाली ब्रश है, तो आप भी इसी से इस तरीके से इस तरीके की बेल आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे, आपको इस तरीके की डिज़ाइन अगर कोई किसी भी तरह का डिज़ाइन आपको बनाना सीखना है तो मुझे ज़रूर फॉलो करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी पहले आप तक पहुंचेगी और उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इस तरीके के जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं, मेरे पास एक मैंने डिज़ाइन बनाया था छल्लों वाला, वो भी काफ़ी आपको पसंद आपने पसंद किया। फिर उसके बाद मैंने दरवाजे पर बनाया था चांद का 3D में डिज़ाइन, वो भी आपको बहुत पसंद आया। तो अब इस तरीके का एक और डिज़ाइन मैं लेके आया हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं कहीं से देख के बना रहा हूँ, ये मैंने अपने आप ही इस तरीके का डिज़ाइन बनाया है। तो इस तरीके से आप भी कुछ भी डिज़ाइन बनाकर 3D लुक दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने एक छोटी स्प्रे मशीन ख़रीदनी पड़ेगी दोस्तों, छोटी आती है बिल्कुल, और इसकी 8 से 10 हज़ार तक के रेंज में सारी आ जाती है मशीन। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये दरवाजे, दो दरवाजे एक साइड थे, एक दरवाज़ा ये इस तरफ है, तो सभी में मैंने सेम डिज़ाइन बना दिया है। तो देखिए पास से भी दिखाता हूँ आपको कितना सुंदर डिज़ाइन है। तो दोस्तों ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें।